पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को मध्य प्रदेश सरकार 1,00,000 रुपए देकर सम्मानित करेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विवेक से वीडियो कॉल पर बातचीत की और पूरी भारतीय टीम को जीत की बधाई भी दी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले भारतीय टीम ने टोक्यो 2020 में 41 साल का सूखा समाप्त कर भी कांस्य पदक जीता था। हॉकी के ओलंपिक इतिहास में लगातार दूसरी बार भारत के ब्रॉन्ज मेडल जीतकर परचम लहराने पर मध्य प्रदेश सरकार खुश है। इस टीम में मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद भी शामिल हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विवेक सागर से वीडियो कॉल पर बातचीत की और जीत की बधाई दी, साथ ही उन्हें 1,00,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हमारे मध्य प्रदेश के गौरव विवेक सागर प्रसाद को वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विवेक को 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। जिस लगन और परिश्रम से टीम ने देश को गौरवान्वित किया है वह प्रशंसनीय है। सीएम मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट भी किया। बहुत अच्छा, खूब अच्छा, आनंद आया, पूरे देश का नाम किया। सारे मित्रों को मेरी तरफ से बधाई दे देना, सारे सारे खिलाड़ियों को, और हमारे तो माननीय DSP हो अब आप, और क्या है। अभी हमारी तरफ से 1,00,000 रुपया आपके खाते में भी डलेगा, ठीक है ना सरकार? अच्छा, सरकार की ओर से ये मध्य प्रदेश सरकार अपने गौरवशाली खिलाड़ी को इनके अपने किए गए योगदान के लिए, देश के लिए आपके हॉकी के योगदान को स्मरण करते हुए सारे मित्रों को, आपके हरप्रीत सहित सबको बधाई देना मेरी तरफ से, सारे खिलाड़ियों को, है ना, सभी मित्रों को बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।